भारत में रूसी कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक वी की पहली डोज लगवाने वाले ये हैं डॉक्टर दीपक सापरा, जो स्पुतनिक वी के इंडियन पार्टनर डॉक्टर रेड्डीज लैब के बड़े अधिकारी हैं। सेंट्रल ड्रग्स लेबोरेटरी कसौली से क्लियरेंस मिलने के बाद डॉक्टर रेड्डीज ने हैदराबाद में स्पुतनिक वी का भारत में सॉफ्ट लॉन्च कर दिया है और अब अगले हफ्ते से भारत के बाजारों में इसकी पहुंच हो जाएगी। इंडियंस को इस वैक्सीन में एक्सेस कब मिलेगा, वो कब इस वैक्सीन को यूज कर सकते हैं और कैसे यूज करेंगे? ये वैक्सीन अभी 1.5 लाख की क्वांटिटी में आया था, शुरू में जो आया है 1.5 लाख की क्वांटिटी है। ये एक पायलट क्वांटिटी है, ट्रायल क्वांटिटी जिसे हम कहते हैं, जिसको लेके हम अपनी सप्लाई चेन, अपनी कोल्ड चेन पूरी तरह से तैयार है कि नहीं देश भर में, हम उसको उसका जायजा ले रहे हैं। ये करने के बाद अगले कुछ हफ्तों में और क्वांटिटीज आने वाली हैं। ये रशिया से और क्वांटिटीज आएंगी मई के महीने में, जून के महीने में, और मुझे पूरी उम्मीद है कि मिडिल ऑफ जून तक, जून के दूसरे तीसरे हफ्ते तक ये काफ़ी मात्रा में भारत में उपलब्ध होगी, जिसके फलस्वरूप हम इसे भारत में कई जगह लेके जा सकते हैं और इसको लॉन्च कर सकते हैं। एक चीज़ ज़रूरी है यहाँ पे समझनी कि स्पुतनिक वी एक कोल्ड स्टोरेज प्रोडक्ट है, ये -18 डिग्री पे स्टोर किया जाता है और -18 डिग्री पे ही इसका ट्रांसपोर्टेशन भी किया जाता है। इस कारण से जहाँ जहाँ -18 डिग्री की कोल्ड चेन स्टोरेज हम एस्टैब्लिश कर पा रहे हैं अपने पार्टनर्स के साथ, जैसे हॉस्पिटल, बाकी हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, उनके साथ जहाँ जहाँ ये एस्टैब्लिश हो रहा है वहाँ पे ये पहले लॉन्च किया जाएगा। उसके बाद साथ ही साथ हम पूरा प्रयत्न कर रहे हैं कि इसे बाकी जगह लेके जाएं और उसे अगले कुछ हफ्तों में ले जाया जाएगा। मतलब सीधे तरीके से इस समय कुछ दिनों बाद ये केवल प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ही पाई जाएगी इसके जो डोजेज हैं, और कुछ हफ्तों बाद ये सरकारी वैक्सीनेशन साइट्स में पाए जाएंगे। जी बिल्कुल, हमारा उद्देश्य ये है कि ये हर जगह पाई जाए। इसके लिए शुरू में कुछ वैक्सीन की मात्रा रूस से इंपोर्ट की जा रही है, साथ ही साथ भारत में इसे बनाने के लिए, भारत में इसका निर्माण करने के लिए पूरे प्रयत्न जारी हैं। स्पुतनिक वी का भारत में आना भारत की वैक्सीन रेस का हिस्सा है। कोरोना की दूसरी लहर के बीच भारत में इसकी मंजूरी मिल सकी, लेकिन अब स्पुतनिक वी से भारत में वैक्सीनेशन वाली जंग में एक बड़ी उम्मीद की जा रही है। भारत वैक्सीन की रेस में पिछड़ गया। बीते 7 दिनों में भारत में वैक्सीनेशन का औसत रोजाना 20 लाख डोज के आसपास है, जो भारत में वैक्सीनेशन की चींटी की रफ्तार कही जाएगी। भारत की चुनौती भारत की बड़ी आबादी हो सकती है, लेकिन विपक्ष के मुताबिक वैक्सीनेशन में भारत का पीछे रहना सरकार की गलत नीतियों का नतीजा है। वैसे तो सरकार ने वैक्सीन हासिल करने के लिए बीते कुछ दिनों में कुछ बड़े फैसले लिए हैं, लेकिन इस साल तक वयस्क आबादी को टीका लग पाएगा इसमें संदेह है। विशेषज्ञों के मुताबिक बिना वैक्सीनेशन हालात नहीं सुधरने वाले। भारत के सामने विकट स्थिति है, वैक्सीन है नहीं लेकिन लगनी जरूरी है। अमेरिका तो मास्क से मुक्ति का ऐलान कर रहा है, लेकिन भारत में मास्क जरूरी ही नहीं मजबूरी भी है। दिल्ली से मिलन शर्मा, ऐश्वर्या पालीवाल और स्नेहा मोरदानी के साथ आज तक ब्यूरो।